Well, Mr. Om Prakash Manchanda from Dr. Lal Bhatt Lab joins us for a quick chat. Mr. Manchanda, thank you so much. What brings you to the state? I know this is a very big market for the company as well. How what are your plans in this state? Are you planning to invest more, set up more labs? Give us a sense, sir. See, जैसा आपने बताया कि यूपी इज बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट स्टेट है और हमारा यहाँ काफ़ी बड़ा नेटवर्क है. अब हम हमारा जैसे सुना आपने कि कलेक्शन सेंटर हमारे हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में है, तहसील टाउन्स में है, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो लैब नेटवर्क है वो और बढ़े और हम चाहते हैं कि इस स्टेट में टेस्ट मेन्यू और बढ़े, क्योंकि जितने भी हाई एंड टेस्ट हैं वो आज भी बड़े बड़े शहरों में यहाँ से जाते हैं और हमारी कंपनी की तरफ से कोशिश है कि हम जितने बड़े बड़े शहरों में अपनी लैब थोड़ा नेटवर्क और वाइडन करें, टेस्ट मेन्यू वाइडन करें और इस जो प्रदेश की तरक्की है उसके साथ हम कंट्रीब्यूट करें अपने आप को. सर, हेल्थ केयर एक बहुत बड़ा एक मार्केट भी है, स्पेशली लाइक उत्तर प्रदेश जैसी जगहों में. तो अभी आपने बताया कि आप एक्सपैंड करेंगे, तो कितना इन्वेस्टमेंट आप लगभग कोशिश करेंगे कि आए, क्योंकि एक बेसिक सेटअप लैब को भी लाइक पैसा काफ़ी लगता है, विद रियल एस्टेट रेट भी काफ़ी हाई होते हैं लखनऊ में और काफ़ी शहरों में, तो उसके कुछ प्लान बताइए सर. एक्चुअली ये हेल्थ केयर में जो पैथोलॉजी लैब का जो सेक्टर है, सब सेक्टर है, उसमें इतनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है. उसमें एक्चुअली जो मैन पावर की कॉस्ट है, जो रनिंग कॉस्ट है, वो एक इम्पॉर्टेंट होती है, जिसको हम ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं, और उसको वायबल करना एक्चुअली एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है. तो एक तो ये है, दूसरा ये है कि हम चाहते हैं कि जितना नीचे जा सकें छोटे छोटे शहरों में, लेकिन वहाँ अवेलेबिलिटी जैसे डॉक्टर्स की, आपने सुना कि मैंने बोला कि टेक्नोलॉजी को हमें यूज़ करना चाहिए, रिमोटली क्वालिटी कंट्रोल को हमें मैनेज करना चाहिए. अगर हम ये सारे सॉल्यूशंस निकाल सकें तो हम दो तीन प्रॉब्लम जो हमारी मेन है उसका सॉल्यूशंस हम निकाल सकते हैं. नंबर वन चैलेंज ये है कि क्वालिटी जो है डायग्नोसिस, वो बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है. अगर इसमें कोई डिले हो जाए डायग्नोसिस में या कोई मिस डायग्नोसिस हो जाए तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस है कॉस्ट पर और क्लिनिकल आउटकम पर बहुत ज़्यादा है. तो क्वालिटी बहुत ज़रूरी है इसमें, और क्वालिटी के लिए जो है जो मेडिकल ओवरसाइट है वो ज़रूरी है. तो उसमें हमें टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है. दूसरा हमें जो करना है वो है कि हम जितना ज़्यादा वाइडर टेस्ट मेन्यू अगर ले जाएं छोटे छोटे शहरों में उतना ज़्यादा अच्छा है. अभी तो हम बड़े रूटीन टेस्ट करते हैं, तो जितने हाई एंड टेस्ट हैं हमारे, मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक्स है या हिस्टोपैथोलॉजी है या फ्लो साइटोमेट्री है, ये बड़े एडवांस टेस्ट हैं. हम चाहते हैं कि इसको हम नीचे लेके आएँ. टेक्निकली इन्वेस्टमेंट इसी भी एरिया में है, कैपिटल कम है जितना ह्यूमन मैन पावर में ज़्यादा है. एंड यूपी में स्पेशली एक बात यही, 20% जो पॉपुलेशन दैट इज एक सर्टेन लेवल पे है, जो एवरेज एज है वो कम है. तो आपको लगता है कि एक हेल्थ केयर पॉलिसी की ज़्यादा अच्छे से ज़रूरत है, एक थोड़ी रिफाइंड हेल्थ केयर पॉलिसी, वेलबींग पॉलिसी, ऐसा कुछ होना चाहिए? यस, वो मैंने एक्चुअली अपने स्पीच में बोला कि हम सबको रियलाइजेशन हो गया कि को मोबिलिटी जो है, जो अगर डायबिटीज़ है कुछ है, हमें बड़ा रिस्क होता है इसका. तो टेक्निकली इट ब्रिंग्स अस टू द सेम पॉइंट दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, विच मींस प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. तो प्रिवेंशन के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, एक तो हेल्थ केयर का अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी अवेयरनेस होनी चाहिए, दूसरा हमें लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए जिससे हम अपने आप को हेल्दी रख सकें, तीसरा ये है कि हमें जितना भी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स हैं, उनको यूज़ करना चाहिए. सो टेक्निकली ये वेल बीइंग का जो आइडिया है वो हमें जितना से ज़्यादा कर सकें सोसाइटी में हमें करना चाहिए. सर, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट हेल्थ केयर इंडस्ट्री को मिलना चाहिए? बजट में भी काफ़ी फोकस था ऑन हेल्थ केयर. आपके सबसे दो तीन प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए, थोड़ी हैंड होल्डिंग सेक्टर को मिलनी चाहिए, वो लिस्ट आउट करिए सर. मेरे हिसाब से हेल्थ केयर में डिमांड साइड इज़ ह्यूज, बिकॉज अनलिमिटेड डिमांड है. जितने इतनी पॉपुलेशन है हमारे कंट्री में, इतने विलेजेस हैं, इतने टाउन्स हैं, जहाँ तक मुझे लगता है जो सप्लाई साइड है उसके ऊपर काफ़ी फोकस करना चाहिए. सप्लाई में तीन चार एरियाज़ हैं, एक तो आई थिंक गवर्नमेंट ने मेडिकल एजुकेशन में, खासकर मैंने देखा यूपी में जो काम हो रहा है वो बड़ा अच्छा हो रहा है. जो डॉक्टर्स की शॉर्टेज है वो कम्प्लीट हो, उसके ऊपर काम हो. तो जो सप्लाई साइड में एक ह्यूमन मैन पावर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एरिया है. सेकंड है इसमें जो स्पेशली हॉस्पिटल्स में लैंड और बिल्डिंग में कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत होता है, तो उसमें होना चाहिए. और तीसरा ये डॉक्टर त्रेहान ने बताया कि हम काफ़ी ज़्यादा इनपुट कॉस्ट हमारे ऊपर GST लगता है, उसमें हमें कोई ऑफसेट नहीं मिलता, तो उसका भी कोई सोल्यूशन हमें निकालना चाहिए.
आई थिंक लास्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे पुराने जो जो स्ट्रक्चर है हमारा हेल्थ केयर का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, टाउन लेवल का, ये एक्चुअली उस टाइम शायद बना हुआ जिस टाइम टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी. अभी हमने देखा है कि रियल टाइम प्ले इंफॉर्मेशन फ्लो जो है छोटे छोटे से गांव से सडनली वो सेंटर में पहुंच जाता है. तो हमें टेक्नोलॉजी का बड़ा यूज़ करना चाहिए. टेलीमेडिसिन है, टेली रेडियोलॉजी, टेलीपैथोलॉजी, तो ये सारे जो एरियाज हैं मुझे लगता है अगर हम फोकस करें तो हम काफ़ी आगे जा सकते हैं. थैंक यू सो मच सर. If you like the video, do like, comment, share, and subscribe.